आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज एक कमेंट आया था कि क्वेश्चंस को प्रूफ करना था कि जो ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, इसको हेरन्स फॉर्मूला यानी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की मदद से हमको प्रूफ करना था। एक भाई ने लगातार कमेंट किया था कि इसको प्रूफ करके बताइए सर, प्रूफ करके बताइए। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस क्वेश्चंस को डिटेल तरीके से बता दूंगा। देखिएगा, इसमें प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे क्या कि अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है, लेट्स दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, मैंने मान लिया इसकी कोऑर्डिनेशन आपने एक्स वन कॉमा वाई वन मान लिया और इसकी कोऑर्डिनेशन एक्स टू कॉमा वाई टू मान लिया और इसकी कोऑर्डिनेशन एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री मान लिया। मैं कहता हूं कि अगर ये साइड ए है, अगर ये साइड बी है, अगर ये साइड सी है, इफ लेट ये साइड अगर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। आपने हीरोइंस फॉर्मूला में क्या पढ़ा होगा कि एस का मतलब होता है क्या, ए प्लस बी और प्लस सी बाई टू, यानी एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर्स, अर्ध परिमाप होती है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या, तीनों को जोड़ दीजिए, परिमाप हुआ, उसको आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। और जब इसका हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का जो फंडा होता है ये होती है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इस एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। क्या यहीं तक हीरोंस का फॉर्मूला अप्रूवल होता है? जी नहीं, यहां तक हो जाता है, इसलिए यहां तक स्टैंडर्ड माना जाता है ताकि आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। लेकिन इस टर्म को अगर हम एक्सपेंडेड करें, इस टर्म को और पीछे तक ले जाएं, तो आप क्या पाएंगे यहां पर, वो देखिएगा। मैंने अगर एस का मान इसमें डालना चालू कर दिया तो ए बराबर जो है आपका मान कुछ इस तरह से आ जाएगा। एस के जगह पर क्या डाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। देखिएगा, मैंने जो एस की वैल्यू था, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एंड यहां पे एस का मान कितना था, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस का ए। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब एस माइनस बी था तो एस का मान ये है और माइनस का बी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा टू माइनस का बी मैंने कर दिया। और लास्टली एस माइनस सी था तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस का सी कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस का मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया। ये देखिए, ये कर दिया। अब जब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में आप लाओगे तो ये कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिएगा, अब यहां पे a प्लस बी प्लस सी, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया। अब यहां पे देखिएगा, जब मैं इसका एलसीएम करूंगा, जब मैं इसका एलसीएम करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस, दो को एक से गुना किया, दो तो दो गुना एक दो है। चलिए, अब इसका मैं एलसीएम करूंगा, भाई दो नीचे है और यहां भी क्या है, दो नीचे है, और यहां ए प्लस बी प्लस सी माइनस, और जैसे यहां पर दो ए हुआ वहां पर क्या हो जाएगा, दो बी हो जाएगा। आप एलसीएम करके भी देख सकते हो, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब इसको जब करोगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c और नीचे का 2 आ जाएगा। क्या मैं यहां पे कुछ इस तरह से कर सकता हूं, 2 दुना 4 दुना 8 दोना का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो a का मान जो है अपने पास आ जाएगा, a का मान अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए। देखिएगा, ए में से दो ए चल गया था माइनस का ए, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी माइनस का ए। अब यहां सी है, देखिए बी ए गो घटे दू गो बी, तब माइनस का बी, तो ए माइनस बी प्लस का सी, ए प्लस बी प्लस सी में से दो को सी चल गया था, ए प्लस बी माइनस का सी, और नीचे का भाई साहब कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, दो दूना चार दूना आठ दूना का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये रूट्स में 16 है, क्या ये बाहर हो सकती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। और 16 का जो वर्गमूल होती है वो कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो मैं इतना तक आपको बता दिया, आप वीडियो को पॉज करें और यहां तक रुक कर आप उतार ले और आगे मैं बनाने का कोशिश करता हूं। देखिएगा, तो यहां से फंडा कुछ इस तरह से आ जाएगा, अब यहां से फंडा ये आ जाएगा, अरे यार मैंने तो मिटा भी दिया,
यहां से फंडा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में आ जाएगा ए प्लस बी बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए और हो जाएगा सी यानी बी माइनस में जाना है ना तो सी प्लस बी सी प्लस ए माइनस का बी मैंने मिटा दिया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मैं मेकअप कर देता हूं ए प्लस बी माइनस का सी और नीचे में कितना था अपना 16 था बताइएगा क्या यही था नीचे में कितना था 16 था तो मैंने यहां पे क्या कर दिया 16 ला दिया अब आगे की जो टर्म होती है आप यहां पे क्या देख पाएंगे यहां पे जो टर्म था आगे में 16 है तो 16 का वर्गमूल मैंने कितना बोला था 4 तो नीचे का 4 ना कि ऊपर का 4 तो ये अंडर रूट्स में कितना आ जाएगी अब देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस का सी और इनटू का बी प्लस सी माइनस का ए और सी प्लस ए माइनस का बी और ए प्लस बी माइनस का सी एनी प्रॉब्लम नहीं मैं 4 को इधर ले जाता हूं तो कितना हो जाएगा 4 ए हो जाएगा अब जरा से बहुत सारा कैलकुलेटिव में थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं और ये स्क्वायर चलिए एक बार मैं कर ही देता हूं अब यहां पे आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी और इंटू बी प्लस सी माइनस का ए सी प्लस ए माइनस का बी ए प्लस बी माइनस का सी आप देखिएगा रूट जो है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर बनेगा तो 4 ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 ए स्क्वायर हो जाएगा अब सुनिएगा मैं क्या करता हूं कि b प्लस सी माइनस का a इंटू सी प्लस ए माइनस का b इंटू ए प्लस बी माइनस का c इंटू इसको इधर ले चलिए a प्लस बी प्लस सी मैंने इतना तक कर दिया आई होप आप इसको उतार लें पॉज करके और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं मैं इसको भी थोड़ा सा मिटा देता हूं अब सुनिएगा इसको याद रखिएगा अब मैं क्या करता हूं यहां पे जो कैलकुलेटिव वे है इसको मैं थोड़ा सा लेंदी नहीं करके मैं शॉर्टकट के फॉर्मेशन पे लाता हूं देखिएगा कैसे होता है अब मैं क्या कर रहा हूं कि 16 ए स्क्वायर जो आपको यहां पर आया 16 स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया लेकिन b प्लस सी माइनस ए है क्या है b प्लस सी माइनस ए है अब इसको मैं क्या करता हूं यहां पर सी सी अब ये देख लीजिएगा थोड़ा सा सी माइनस ए माइनस बी क्या यही हो सकता है इस फॉर्मेशन में से अगर मैं सी माइनस करूं एक बार मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाए तो मैं करता हूं क्या बी प्लस सी माइनस का ए और इंटू में आ जाएगा सी प्लस ए माइनस का बी और इंटू में आ जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी और ए प्लस बी प्लस सी और नीचे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मैं तो 16 से ऊपर ले गया अब नीचे कुछ नहीं है अब इसको मैं कैलकुलेटिव बनाता हूं कैलकुलेटिव कैसे बनाएंगे वो जरा सा देखिएगा अब मैं यहां पे क्या करता हूं c को पहले ले लेता हूं और माइनस कॉमन करूंगा तो माइनस में कॉमन करूंगा तो a माइनस में था अभी a प्लस हो जाएगा b प्लस था अभी ये क्या हो जाएगा b माइनस हो जाएगा सुनिएगा अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं c यहां पे और दूसरा जो है और दूसरा क्या है सी है और प्लस है ए माइनस का बी आ गया ये दूसरा फॉर्मेशन आ गया इससे आपको फायदा क्या होगा कि सी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेशन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब यहां पर फॉर्मेशन उसी तरह का मैं करने जा रहा हूं देखिएगा अब मैं क्या करता हूं माइनस का जो सी है माइनस का जो सी है इसको क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस सी इंटू प्लस का ए प्लस बी जरा सुनिएगा गौर से इस बात को सुनिएगा अब मैं यहां पे इसको माइनस सी लिख दिया अब इसको मैं माइनस सी लिख दिया अब यहां पे ये जो होगा अब ए प्लस बी माइनस सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं मैं अगर यहां पे माइनस कॉमन कर लूं तो यहां पे हो जाएगी ये माइनस सी ए प्लस बी हो गया और ए प्लस बी के बाद क्या हो जाएगा वहां पे और ऐसे भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप यहां पे देख सकते हैं क्या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां पे ये हो सकता है कि ए प्लस बी माइनस का सी ए प्लस बी या प्लस का सी
ए प्लस बी माइनस का सी, ए प्लस बी माइनस का सी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस का सी, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ कैलकुलेटिव्स वे में ए प्लस क्या, ए प्लस बी और प्लस का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का सी, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, 16a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो यहां पे मैं वही अप्लाई करूंगा, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के हाल स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का c का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको जब आप कैलकुलेटिव बनाओगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, लेकिन ये कोष्ट है, कोष्ट का प्रयोग मत भूलिएगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगावेंगे, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, अरे यार जोड़ बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहां तक आ गए बात को करते करते, जरा सोचिएगा ये माइनस का है और ये माइनस है, ये माइनस मैंने इसलिए लगाया, कोष्ट इसलिए लगाया ताकि आपको आगे जब मैं करूं यहां माइनस का प्लस कर दूं, प्लस का माइनस कर दूं, तब आपको प्रॉपर वे में ये बात क्या हो जाए, समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं माइनस को प्लस कर रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं कि 16a² बराबर, सुनिएगा, अब इसको तोड़ दीजिए, आप क्या करोगे, तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, अब कोष्ट हटाता हूं मैं, तो माइनस ये माइनस, माइनस के चक्कर यहां पे ऐसा था, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और मैंने कोष्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कोष्ट को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या आप यहां पर कुछ देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, 2ab को आप पहले लिख दीजिए 2ab को, अब जो बच गया उसको बाद में लिख दो। अब यहां पे क्या लिख सकते हो, तो लिख सकता हूं मैं सर, कैसे लिख सकते, देखिएगा c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, अब यहां पर मैंने ये लिख दिया, अब यहां पर 2ab को पहले लिख दो और a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। आप कहो कि सर यहां से तो कुछ बात ही नहीं बन पा रही है, बात बन रही है, आप समझिएगा थोड़ा सा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर दूं आपको, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं, यहां पे ये प्लस है, अगर मैं टोटली में से माइनस कॉमन कर दूं तो आप क्या देख पाएंगे, अगर मैं यहीं पे अगर माइनस कॉमन कर दूं तो आप यहां पे क्या देख पाएंगे वो जरा हमें बताएंगे। तो 2ab माइनस का a स्क्वायर, जैसे यहां पे माइनस a स्क्वायर है, इसको माइनस में पहले लिख देता हूं ताकि आप ज्यादा समझ पाए, तो माइनस a स्क्वायर पहले लिख दे रहा, ये वाला पहले मैंने माइनस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का है और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस का है। अब सुनिएगा, अगर मैं कोष्टक का प्रयोग कर दूं भाई साहब, तो ये कोष्टक कुछ ऐसा बन के नहीं बनेगा, और ये बन जाएगा प्लस था ये माइनस हो जाएगी और ये बी प्लस था हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इन बातों को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कैसे, आप देखिएगा, माइनस को ऐसे गुना किया माइनस, अब माइनस प्लस किया माइनस, माइनस माइनस किया प्लस, बात पल्ले पड़ रही होगी, थोड़ा थोड़ा आप कैलकुलेटिव थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मैंने बता दिया पहले कि ये बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है वीडियो। अब देखिएगा ज्यादा, अब a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2ab के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं, और मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहां पे लिख सकता था, मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहां पे लिख भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों मैं लेकिन ऐसा मैंने नहीं इसलिए किया क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि ये कहां से आया, तो पॉज कीजिएगा वीडियो को और ये बना लीजिएगा, उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट हीरोन्स के फॉर्मूले से इसको प्रूफ करेंगे। मैंने आपको यहां तक बता दिया था 16a² बराबर इतना आता है, कैसे, मैंने सारा चीज को आपको प्रूफ करके बता दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ये मान लिया, इसको ये, इसको ये, इसके ये मान लिया, क्यों माना आपको ये पता चल जाएगा मैंने क्यों माना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, a का मान जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो a का मान कुछ इस तरह से आएगा, कितना आ जाएगा x3 माइनस x2 का
होल स्क्वायर जो वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर ले आते हैं तो ए स्क्वायर का मान कितना हो गया, ये आ गया एक्स थ्री माइनस एक्स टू को मैंने पी मान लिया पी स्क्वायर, वाई थ्री माइनस वाई टू को मैंने क्या मान लिया क्यू का स्क्वायर, इसलिए मैंने माना था। अब चलिए बी स्क्वायर का मान आप कितना मानोगे, तो बी स्क्वायर का मान एक्स थ्री माइनस एक्स वन, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन है आर स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा एस स्क्वायर, आप करके देख लीजिएगा। और जो लास्टली आता है सी स्क्वायर, उसका मान कैसे आप निकालेंगे, तो सी का मान निकालने के लिए आप चलिए क्या करते हैं, तो एक्स थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर जोर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। तो चलिए एक्स थ्री माइनस एक्स वन कैसे आता है, एक्स टू माइनस एक्स वन कैसे आता है, तो हम क्या करते हैं आर माइनस पी कर देते हैं, तो एक्स वन माइनस का एक्स थ्री घटे एक्स टू प्लस का एक्स थ्री, एक्स थ्री से एक्स थ्री कट गया तो एक्स वन माइनस का एक्स टू आ गया। आप जान रहे हैं स्क्वायर में ये दोनों उल्टा पलटी हो सकता है, स्क्वायर में दोनों उल्टा पलटी हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर लग, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आर माइनस पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एस माइनस क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको जरा सा याद रखिएगा। अब आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, पुट वैल्यू, पुट द वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कितना पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान कितना आर स्क्वायर जो एस स्क्वायर, और उसके बाद है माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान है पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान है आर स्क्वायर जो एस स्क्वायर, और माइनस का सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का मान है आर घटे पी का होल स्क्वायर जो एस घटे क्यू का कितना होल स्क्वायर, कैसे आया मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब सारी चीज के ऊपर क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं, एनीथिंग नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से देखिएगा, चार को चार रहने देते हैं पी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पी को आर से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे ए ये जो है सी पूरा है, आप याद रखिएगा ये सी पूरा है, ये जो है सी सो पूरा है, ये सी का वैल्यू और इसके ऊपर स्क्वायर है तो सी स्क्वायर का मान इतना है। अब चलिए मैं क्या करता हूं इसको तोड़ता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी आर पी प्लस बी स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एस क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। मैं जरा देख लेता हूं कि क्या आपको ये दिख रहा है या भी नहीं दिख रहा है, तो दिखाई दे रहा है यहां तक। चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, क्या अब थोड़ा सा इसको और कैलकुलेटिव बनाएंगे, पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस का। अब सुनिएगा, मैं इस माइनस इस वाले को गुना करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस है माइनस के चक्कर प्लस, प्लस के चक्कर माइनस, प्लस के चक्कर माइनस, माइनस के चक्कर प्लस, और ये प्लस का चक्कर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कोष्ठ का काम खत्म, और ये पूरी कोष्ठ का काम खत्म, पी स्क्वायर प्लस में है पी स्क्वायर माइनस खत्म, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस खत्म, आर स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर माइनस खत्म, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस खत्म, यहाँ पे क्या बच गया 2rp प्लस 2sq का होल स्क्वायर, क्या बच गया भाई होल स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे जब इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों में दो कॉमन है, दो बाहर करेंगे दो का स्क्वायर बाहर करेंगे तो कितना का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, दो का स्क्वायर बाहर यानी चार बाहर हो गया। अब समझ रहे होंगे मैंने दो दो बाहर किया लेकिन स्क्वायर था, अब चार बाहर हुआ, यहाँ भी चार यहाँ भी चार, सब में से चार अगर आप कॉमन करते हैं तो 16 ए स्क्वायर बराबर चार इंटू पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी सॉरी क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस आर पी माइनस सॉरी आर पी माइनस चार मैंने कॉमन कर लिया तो आर पी प्लस एस क्यू का क्या हो जाएगा, तक आपने कर लिया होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी जो बी स्क्वायर से होता है, उसके बाद इससे ये कट जाएगी और इससे ये कट जाएगा, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। उसके बाद देखिएगा मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा कि फोर ए स्क्वायर का मान कितना या पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू पी क्यू आर एस,
तो यहाँ से आपने क्या देखा, फोर ए स्क्वायर बराबर पी एस माइनस क्यू आर का होल गया होल स्क्वायर, कितना हो गया होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके आइए तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो टू ए बराबर भैया हो कितना आ गया, पी एस माइनस का क्यू आर। अब सुनिएगा, तो ए का मान हो गया हाफ इंटू पी एस माइनस क्यू आर, इतना आ गया। मैं इसको मिटाता हूँ, अब यहाँ से लिख कर आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा, इस यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया, पी का भी रख दिया, उसके बाद वाई वन माइनस वाई थ्री जो था किसका वैल्यू था, एस का, पी एस माइनस जो भी वैल्यू था मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ए का मान जो आ गया आपको एक बटा दो, एक्स टू को वाई से वन को गुना करेंगे इस दोनों को, तो एक्स टू वाई वन और ये हो जाएगा वाई थ्री, वाई थ्री एक्स टू घटे वाई वन एक्स थ्री प्लस वाई थ्री एक्स थ्री माइनस इसका क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई टू घटे वाई टू एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री और ये प्लस एक्स थ्री वाई थ्री, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस और ये माइनस, आपका लफड़ा खत्म। और यहां से आप कर पाएंगे ए बराबर एक बट्टा दो। अब कुछ कटने वाला आपको लग रहा है तो काट सकते हैं, वाई वन एक्स टू, वाई वन एक्स टू नहीं है, एक्स वन वाई टू, एक्स वन वाई टू कहीं नहीं दिख रहा। चलिए, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको और इसको काट दिया, फिर ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से x2 कॉमन किया तो y1 घटे y3 बच गया इसमें से x2 के बाद, और सारा चीज आपने कंप्लीट कर दिया और ये आपका प्रूफ हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारा लंबा टाइम लग गया। थैंक यू।